धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। भागवत जब व्यक्ति सुनता है तो धर्म का निरूपण भागवत जी करते हैं। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहि तुक्य प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। भक्ति और धर्म क्या है? भागवत जी में बहुत सारे प्रश्न हैं, उनमें एक प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। अब आप लोग खुद बताइए कि मनुष्य का धर्म क्या है। मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी प्यारी माँ। भैया आप लोग बैठ जाओ ना, मेरी माँ मैया बैठ के सुन लो। सुनो, मनुष्य का धर्म क्या है आप बताओ, आपका धर्म क्या है? संसार का पालन करना, ये आपका धर्म है तो धर्म में आगे बढ़ना, तो ये धर्म है क्या? वही तो परिभाषा पूछ रहे हैं, धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। हाँ आप बताओ भैया, टोपी वाले भैया, धर्म किसे कहते हैं आप बताओ बेटा, धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म सूचको नूनम, ठीक है। धर्म किसे कहते हैं? आर्मी वाले हैं आप, आपका धर्म है केवल देश की सेवा करना, ठीक है। धर्म की परिभाषा है, धर्म किसे कहते हैं? तो सबका धर्म अलग अलग है। अब उसमें से थोड़ी सी व्याख्या जो सबके लिए लागू होगी वो कुछ है। चार परिभाषाएं धर्म की ऐसी हैं जो सबके लिए एक सी है। दया ही धर्म है। धर्म क्या है? दया। धर्म क्या है? सेवा। सेवा ही माता पिता की सेवा, देश की सेवा, समाज की, दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा, जीव मात्र की सेवा ही धर्म है। सेवा ही धर्म। और सेवा तब करेगा व्यक्ति जब हृदय में दया होगी। तो दया और सेवा ये तब होती हैं जब एक दूसरे के ये पूरक है। यदि आपके अंदर दया है तो ही तो आप सेवा करोगे ना, दया नहीं होगी तो आप सेवा क्यों करोगे। इसलिए दया धर्म का मूल है, दया धर्म की जड़ है। कोई भी काम आप धर्म का तब करोगे जब आपके हृदय में क्या होगी। इसलिए दया ही धर्म है। और जब दया होगी तो फिर आप भूखे को रोटी देंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो सेवा भी धर्म है, पर अहित सरिस धर्म नहीं भाई, दया धर्म का मूल है। और धर्म की एक परिभाषा और है। हमने कितनी परिभाषा दे दी दया धर्म की? दो। एक क्या दे दी? सेवा। धर्म की एक परिभाषा हो गई, जोर से, सेवा ही धर्म है। और दूसरी परिभाषा दया, दया ही। अब तीसरी परिभाषा और कोई बताए, आप बताओ भैया जी, आप तीसरी परिभाषा धर्म की क्या हो सकती है आपके हिसाब से? क्या करना, परेशान करना पड़ोसी को? हाँ मैया बताओ। हाँ, धर्म है ना दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है। सत्य ही, जोर से सत्य ही। हाँ मैया, पीली मैया क्या बतख्याव कर रही हो,
क्या कह रही हो? सत्य बोलेंगे तो क्या नहीं चलेगा? सत्य बोलने वाला सबसे बुरा होता है, तो हो जाने दो भाई। सब ऐसे हो जाते हैं तो हो जाने दो। यदि सत्य बोलने से सब ऐसे हो जाते हैं तो झूठ बोल के सब ऐसे भी रहे तो ऐसे भी कौन सा हमें स्वर्ग पहुंचा देंगे? कौन से हमें वैकुंठ की प्राप्ति करा देंगे? ऐसे हो जाओ तो हो जाओ, पर हम बोलेंगे सत्य। लोग कैसे हो रहे हैं मतलब नहीं, आप कैसे होगी बाद में, ये ध्यान रखो थोड़ा। क्योंकि जब हिसाब यमराज जी हमसे पूछेंगे तो हमारे पास वो लोग नहीं होंगे जिन लोगों के कारण आपने झूठ बोला था। क्यों जी होंगे? जब यमराज जी आपसे हिसाब मांगेंगे कि आपने झूठ क्यों बोला था, तो आपने जिनके, आप अपने बच्चों के लिए यदि झूठ बोला होगा, अपने बाप के लिए झूठ बोला होगा, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला होगा, तो वो लोग वहां कोई नहीं होंगे, केवल आपको हिसाब देना। इसलिए मेरी मैया, सजन रे झूठ मत बोलो। है ना, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ओ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। मैया जी तुम झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। हाँ, ये सब कुछ यहीं रह जाएंगे, ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के। ये गीत तो सुना होगा मेरी माँ, नहीं? तो धर्म की परिभाषाएं कितनी हो गई टोटल? पहली बताओ, सोया, सेवा, दूसरा दया, तीसरा सत्य बोलना, चौथी और बता दो। क्या क्या? हाँ, क्षमा और दया एक ही तो है। अच्छा, तुम घुमा रहे हो पर्यायवाची बोल के। धर्म किसे कहते हैं? दया को धर्म कहते हैं, सेवा को धर्म कहते हैं, सत्य को धर्म कहते हैं। और किसे कहते हैं धर्म? ओडिशा, धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा और क्या हो सकती है आपके हिसाब से? अपने से बड़ों की इज्जत करना, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना। पुत्र का धर्म है मां बाप
की सेवा करना पत्नी का धर्म है, पति की सेवा करना स्त्री का एक धर्म है जिसे पातिव्रत धर्म कहते हैं, पतिव्रता, पातिव्रत है ना। राजा का धर्म अलग है, राजधर्म, प्रजा का धर्म अलग है। अब ये इन तीन के अंदर ही फिर इनकी शाखाएं निकलती चली जाएंगी। धर्म किसे कहते हैं इसका सूक्ष्म यदि विचार किया जाए तो ये तीन ही सूक्ष्म विचार हैं कि धर्म की परिभाषा है सत्य बोलना। दशरथ जी मर गए, प्राण जाए पर एक धर्म और है जो बढ़िया है, जो शास्त्रों में उसका उल्लेख है, मैं वो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप बता दें तो मैं आपको नंबर दे दूं 100। हां, अहिंसा ही परमो धर्म। हां, धर्म की चौथी परिभाषा है अहिंसा। मैं किसी को मारता, चींटी से लेकर हाथी तक की रक्षा करना, रक्षा का अधिकार तो है पर व्यर्थ में वे वजह किसी के प्राणों को लेने का अधिकार। आप लोग जो मांस खाते हैं, अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी, भैंसा, भैंस सब खा लेते हो, भक्षा भक्त, ये सब सही है या गलत है? हाँ, आप खाते हो अंडा? आप जी मांस वांस खाते हो? क्यों बेटा, आप अंडा वगैरह अंडा तो नहीं लेते? सही, आप जी अंडा, आप अंडा लेती हो बेटा? मैया, आप अंडा खाती हो? नहीं। मैया, ओ लाल पीली मैया, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? अच्छा, जा रही हो, अच्छा तो हम चलते, ऐसी कह रही हो? ठीक है, कब मिलोगी मेरी माँ? फिर कम मिलोगी, जाते जाते भोजन प्रसाद ले लेना। ठीक है मैया, बैठो। तो धर्म की परिभाषाएं टोटल कितनी हो गई? चार। फिर रिवीजन कर लो, एक बार याद कर लो, कोई बोलेगा पूछेगा तो याद करके तुरंत बोल देना। आप लोग जवाब अपने, एक प्रश्न हो तो जवाब चार होने चाहिए, प्रश्न एक तो जवाब। हाँ, हम लोग एक प्रश्न के चार चार छह छह जवाब संभाल के रखते हैं। एक प्रश्न के कितने उत्तर बताओ? धर्म किसे कहते हैं? फास्ट, धर्म किसे कहते हैं? सेवा, सेवा करो। माँ बाप की पति हो तो पुत्र हो तो आप, माँ बाप की पत्नी हो तो पति की, सबकी सेवा करो, सबको खुश रखो, दया करो। और अहिंसा ही परमो धर्म, किसी की हत्या बेवजह ना हो। जहां हत्या की जरूरत है वहां हत्या भी धर्म बनती है। रावण जैसों की हत्या कर देना, बाली जैसों की हत्या कर देना, दुर्योधन दुशासन जैसों की हत्या कर देना ही धर्म है, इसलिए हत्या उनकी की गई। कई बार हत्या करना जरूरी है। अब जैसे हमारे देश में कानून है कि फांसी की सजा होगी, अब फांसी में आदमी मरता ही तो है, तो वो सही है भाई, आपने अपराध किया है तो दंड जरूरी है, तो वो हत्या नहीं है चूंकि वो तो दंड है। राम जी ने रावण की हत्या नहीं की, राम जी ने रावण को दंड दिया। दुशासन दुर्योधन की हत्या नहीं हुई, इनके किए का दंड दिया गया, ये हत्या नहीं है। हत्या तो तब होगी ना जब बेवजह आप मारेंगे, भाई हमने कोई गलती नहीं की और आपने मार दिया, ये हत्या है। पर गलती करने के बाद किसी ने उसे मारा है तो वो हत्या नहीं है, वो दंड है। बात समझ में आ रही है? तो हत्या जहां जरूरी है वहां तो करने। अब आपके सामने आतंकवादी आएंगे, आप सेना में हैं तो भाई अब उनके लिए तो दया नहीं दिखानी पड़ेगी, उनको तो मारनी पड़ेगा, दो चार मारो, ठीक मारना, तो मारना धर्म है वहां।
वहां आतंकवादियों को ना मारना वो अधर्म हो जाएगा, मारना ही धर्म है। राम जी ने बाली को मारा, लोग पूछते हैं राम जी ने छिपके क्यों मारा, अरे अधर्मी को तो सामने से मारो पीछे से मारो बस मारो, ताही बधे कछु पाप ना होई, इसे मार देने से पाप नहीं इसलिए मारो बस।